हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब के टू जेड हिंदी टिक चैनल पे और मैं हूं बनकर। दोस्तों, बिना कोडिंग के ऐप्स बनाने की नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आपको एमनी कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं और सबसे नीचे आते हैं तो आपको एनी कंपोनेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। बहुत सारे कंपोनेंट में एक ही तरह काम कराना है। अब मान लीजिए मेरे पास 10 बटन है और मैं चाहता हूँ कि 10 बटन एक साथ रेड हो जाए, एक साथ ब्लू हो जाए, एक साथ ग्रीन हो जाए कोई बटन क्लिक करने पर। तो आप नॉर्मली क्या करते होंगे कि जब बटन वन क्लिक हो या जो भी हो, उसके बाद बटन वन का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, बटन टू का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, बटन थ्री का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। आप इस तरह से 10 बटन को लगाते होंगे। लेकिन अगर आप एनी कंपोनेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ बता देना होता है लिस्ट में कि किस किस बटन को आप यूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बस उसे लगा दीजिए। आपका एक ही सभी काम एक ही बार में हो जाएगा। आपको सभी एक एक करके सभी बटन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साथ आप बहुत सारे कंपोनेंट में एक ही काम अगर कर रहे हैं तो एनी कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कमेंट भी आया था तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर 50 बटन ले लेते और 50 लेवल ले लेते, अगर पहला बटन क्लिक करें तो पहला लेवल शो हो, बाकी बाद सभी लेवल हाइड हो जाए। उसी तरह अगर 10वां बटन क्लिक करे तो सभी लेवल हाइड हो जाए और 10वां लेवल शो हो जाए। उसी तरह जो बटन क्लिक हो वही लेवल शो करे, बाकी सभी के सभी लेवल हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक एक करके सभी लेवल को हाइड और शो करने यानी ट्रू फॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट भी मैं अभी आपको एनी कंपोनेंट के हेल्प से बताऊँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दो मेरे पुराने वीडियो को जरूर देख लें। पहला प्रोसीजर वाले वीडियो को और दूसरा फॉर ईच वाले वीडियो को आप जरूर देख ले, क्योंकि इसका यूज मैं इसी में करने वाला हूँ। प्रोसीजर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉक्स कंपोनेंट्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है, और फॉर ईच का भी लगभग वही काम है कि एक ही काम को आप बार बार कराते रहिए। तो वीडियो जरूर देख ले, तभी आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और एनी कंपोनेंट के यूज़ के बारे में जानते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। थंकवेल, मेकवाइड, एपी वेल्डर किसी पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए पहले समझ लेते हैं। मैं ले लेता हूँ कुछ बटन्स को। चलिए मैंने यहाँ पे 3 बटन्स को ले लिया। चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में। तो पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं, मान लीजिए बटन वन क्लिक होने पर मैं चाहता हूँ कि यह बटन टू के बैकग्राउंड कलर को रेड चलिए मैं कर देता हूँ। तो हम नॉर्मली पहले इसी तरह सेट करते थे। आप चाहे तो यही काम एनी कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप जितने भी कंपोनेंट लेंगे सभी के सभी यहाँ पे शो करने लगे। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ बटन कंपोनेंट को लिया है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बटन शो कर रहा है। तो आप यहाँ से बटन में कुछ भी काम करा सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो आपको सभी ब्लॉक मिल जाएगी जो आपको नॉर्मली किसी बटन्स में मिलती। तो चलिए एनी बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। और इसे हटाने के बाद यह पूछ रहा है कि आप किस कंपोनेंट में बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए मैं चाहता हूँ बटन टू को, और क्या कराना चाहते हैं तो यहाँ पे टू में रेड है तो यही रेड मैं यहाँ पे भी उठा कर देता हूँ। तो जो काम हम लोग इससे करा पाते थे वही काम अब इससे होगा। यानी कि आप चाहे तो इससे भी यूज कर सकते हैं या एनी कंपोनेंट में जाने के बाद भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात अब ये रही कि हम लोग को एनी कंपोनेंट का यूज़ क्यों करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को बटन टू यानी कि बटन टू में काम कराना पड़ा। अगर सेम एक ही तरह के काम बहुत सारे बटन में काम कराना हो तो आप एनी, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यह बटन टू में भी चेंज करें रेड कलर, और साथ में यह बटन वन को भी बटन थ्री के भी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम लोग को 3 तरह के ब्लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, या हो सकता है कि जितने बटन हो वो सभी के ब्लॉक्स यहाँ पे लगाना पड़ जाए। तो इतना सारा ब्लॉक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक लिस्ट तैयार कर ले और उसके साथ आप एनी ब्लॉक को यूज कर ले। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए पहले मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, लिस्ट 3 तरह के आइटम जिसमें कि बटन 1, बटन 2 और बटन 3 मैं ले लेता हूँ। और जैसे ही बटन 1 क्लिक हो तो यह एक एक करके तीनों बटन को कलर चेंज कर दे। तो मैं ऑलरेडी आपको 4 ईच आइटम वाले के बारे में बता चुका हूँ, तो इसी का यूज हम लोग अभी करेंगे। तो इसका यूज मैं, तो यहाँ पे अब लिस्ट मांग रहा है तो चलिए मैं इस लिस्ट में कराना चाहता हूँ। और यहाँ पे
कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाली लिस्ट, चलिए मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, बटन कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, और इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि सभी लिस्ट, और क्या होना चाहिए तो टू मैं कर देता हूँ रेड। अब चलिए मैं बटन वन ओके करूँ, तो आप देख सकते हैं तीनों बटन एक साथ रेड हो चुका है। उसके बाद आप तो तीन ही नहीं बल्कि चलिए मैं कुछ और बटन्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लिया हूँ 10 बटन, और बस आपको यहाँ लिस्ट में यहाँ पे बटन को ऐड कर देना है, बटन 3, 4, तो बस आपको यहीं पे लिस्ट तैयार कर देना है। आपको हर एक बटन के लिए इस तरह का डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं बटन ऑन ओके करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी के सभी बटन का कलर रेड हो चुका है। तो ये तो हो गई फर्स्ट एग्जांपल। अब चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसा कि कमेंट आया था ठीक उसी तरह से। चलिए यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट हो गया, तो मैं इसे कर देता हूँ स्क्रॉल लेवल, और 10 लेवल और मैं ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कमेंट आया था उसी तरह मैं 10 बटन और 10 बटन के लिए 10 लेवल मैं ले लिया हूँ। अब चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में, तो प्रोसेस तो सेम वही रहेगा। चलिए फिलहाल मैं इसे कहता हूँ डिलीट, कि कोई भी बटन क्लिक हो तो यह जो बटन क्लिक हो वह लेवल को हाइड कर दे। अब मान लीजिए जब बटन 1 क्लिक हो तो लेवल 1 ट्रू रहे और बाकी के लेवल सभी के सभी यह फॉल्स हो जाए। तो नॉर्मली पहले हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं, अगर बात वही रही बटन 2 जब क्लिक हो तो बाकी सभी के सभी फॉल्स हो जाए और लेवल 2 या ट्रू हो जाए। अगर वही बटन 3 हम लोग यूज कर देते हैं तो बटन 3 जब क्लिक हो तो सभी के सभी लेवल फॉल्स हो जाए और लेवल 3 या ट्रू हो जाए। तो पहले हम लोग नॉर्मली इसी तरह से यूज करते थे, या जो कमेंट में पूछ रहे हैं वह इसी तरह से यूज कर रहे होंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं ऑलरेडी आपको प्रोसीजर का यूज बता चुका हूँ, तो आप पहले तो प्रोसीजर का यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर प्रोसीजर का भी यूज करेंगे तो हम लोग इस तरह से नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट काम किया जा सकता है। चलिए सभी के सभी को मैं कर देता हूँ डिलीट, या सब मैं समझाने के लिए किया था। तो जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो सबसे पहले यह प्रोसीजर में सेंड कर देगा। चलिए मैं प्रोसीजर में लिख देता हूँ हाइड लेवल नेम देता हूँ, तो यह हाइड लेवल करेगा। तो यह कौन कौन सी लेवल को हाइड करेगा, तो एनी कंपोनेंट जो कि लेवल इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं विजिबल वाले को, तो यहाँ पे किसे विजिबल करना है, तो हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए फॉल्स, और चलिए एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं फिर से, जो कि लिस्ट रहेगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 10। तो डायरेक्ट आप इसमें लिस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से सेम वही प्रोसेस को यूज करेंगे। इस लिस्ट में से सभी आइटम को यह विजिबल कर देगा फॉल्स। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो यह आइटम के सभी लेवल्स को कर देगा विजिबल फॉल्स। अब उसके बाद हम लोग क्या कराना है कि बटन 1 में यह लेवल 1 के विजिबल को कर देगा ट्रू। अब ठीक उसी तरह मैं इसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बटन 1, बटन 2, 9। अब इसमें हो जाएगा जब बटन 2 क्लिक होगा तो लेवल 2 को यह शो करा देगा, बटन 3 क्लिक होगा तो लेवल 3 को यह शो करा देगा, और बटन 10 क्लिक होगा तो लेवल 10 को शो करा देगा। तो अब हम लोगों का एप्स बनकर रेडी है, बस इतना ही में हो गया है। नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 बटन के लिए कम से कम आपको 100 से भी ऊपर ब्लॉक्स को यूज़ करना पड़ जाता। तो चलिए अब मैं जैसे ही बटन ऑन ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं लेवल 1 यहाँ पे शो हो गया, बाकी के सभी हाइड हो गया। अगर उसी तरह मैं लेवल बटन 4 ओके करूँ तो आप देख सकते हैं लेवल 4, बटन 8, बटन 7, बटन 4, बटन 5, बटन 9, बटन 10 आप देख सकते हैं। तो इसका AI फाइल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से एनी कंपोनेंट का यूज करके एक ही काम एक ही कंपोनेंट में अगर बार बार हो रहा है तो आप इस तरह से काम को कम ब्लॉक्स में ही करा सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया हो कि एनी ब्लॉक्स का जो ऑप्शन है वह एक ही तरह के कंपोनेंट में एक ही तरह के काम कराने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। और मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट सब बिना कोडिंग के ऐप्स बनाना सीखना चाहते हैं तो ए टू जेड हिंदी ट्रिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर ली तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।